वैसे जो भी कहिए, साड़ी पहनकर महिलाओं का अंदाज और उनकी जो अदाएं होती है ना, वो कुछ अलग ही हो जाती है। और जरा सोचिए हमारी प्रीशा का क्या हाल हुआ होगा कल, जिस डिजाइनर साड़ी में वो लहरा रही थी, आज उसी डिजाइनर साड़ी को पहनकर बेचारी को जेल जाना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ, आइए बताते हैं आपको। कल तक जो डिजाइनर साड़ी पहनकर प्रीशा इतरा रही थी, आज देखिए उसी डिजाइनर साड़ी को पहनकर उसे जेल जाना पड़ गया। पुलिस को प्रीशा के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि देविका का खून ये किसी और ने नहीं बल्कि प्रीशा ने किया है। अब पुलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। प्रीशा को पकड़ के वो कहने लगा कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। प्रीशा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। सबसे पहले कुछ भी होता है घर में तो इल्ज़ाम किसके ऊपर आता है, मेरे ऊपर। तो इसीलिए वही इल्ज़ाम मेरे ऊपर आया है और मेरे हाथों मेरे जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं देविका के नाखूनों में, तो मैं सस्पेक्ट हूँ। अब भाई बात तो सही है, टीवी की बहू है तो किसी का खून तो करेगी नहीं। अगर प्रीशा खूनी नहीं है तो भाई खूनी कौन है? अब पता लगाने वाली बहू रानी तो जेल चली जाएगी, तो ऐसे में जासूसी कौन करेगा, कौन पता लगाएगा? खैर अब रुद्राक्ष से उम्मीद है शायद वो कुछ कर ले। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।